वेलकम बैक और पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट किंगडम ब्रायोफाइट्स का अध्ययन करेंगे प्लांट किंगडम के अंतर्गत। तो ब्रायोफाइट्स में सबसे पहले हम इससे कुछ कैरेक्टर्स जान लेते हैं। हम ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस प्रकार की होती है। अब यहाँ पर जानना जरूरी है कि थैलस किसको हम बोलते हैं। ऐसी कोई प्लांट बॉडी, कोई ऐसा प्लांट जिसको देखकर आप ये ना बता सकें कि इसमें कौन सा भाग इसका जड़ है, कौन सा तना है, कौन सा स्टेम है, कौन सा रूट है। रूट स्टेम और लीव्स में जब आप अंतर नहीं कर पाते हैं तब उस प्लांट को हम थैलस बोलते हैं। वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी होती है। इसका जो प्लांट होता है उसमें ट्रू रूट्स एब्सेंट होती हैं, पत्तियाँ एब्सेंट होती हैं, थैलस प्रकार की प्लांट बॉडी होती है। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत और है वो ये है कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं वो किसी नम स्थान पर उगते हैं या फिर पानी के आसपास उगते हैं। कुछ प्रजातियां ब्रायोफाइट्स की जलीय होती हैं, कुछ स्थलीय होती हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी इसकी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो पानी की उपस्थिति में ही होता है, अर्थात जब वाटर प्रेजेंट होगा तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो स्पोर्स हैं वो पानी की सहायता से मूव करते हैं। जो स्पर्म्स हैं, एंथ्रोजोइट्स हैं, लाइफ साइकिल में भी आप आगे जानेंगे, वो पानी की सहायता से ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होते रहते हैं। ये स्ट्रक्चर है लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये बायोफाइट्स का एक जीवन चक्र है। एक एक करैक्टर के बारे में सबसे पहले हम इसके जानते हैं। तो पहला इसका जो करैक्टर है, ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेज। मॉइस्ट का होता है नम, ग्रो में सूखना। जो बायोफाइट्स होते हैं नमी युक्त स्थान पर उगते हैं। ग्रो इन मॉइस्ट प्लेसेज, नमी युक्त स्थान पर ये उगते हैं। दूसरा, आल्सो कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। पादप जगत का एम्फीबियंस बोलते हैं। अभी एम्फीबियंस किसको बोलते हैं? जब आप एनिमल्स के बारे में अध्ययन करेंगे उसमें आपको एक फाइलम मिलता है, एम्फीबिया क्लास मिलता है एम्फीबिया। उस एम्फीबिया क्लास में जो आपका मेढक है वो एम्फीबिया क्लास में आता है। क्यों रखा गया एम्फीबिया? एम्फीबिया क्लास के जो जीव होते हैं उनमें जल और स्थल दोनों पे रहने की क्षमता होती है, इसीलिए हम उसको एम्फीबिया क्लास बोलते हैं। आप देखते हैं कि जो मेढक होता है वो जल में भी रह लेता है और स्थल पर भी रह लेता है। जल में वो जब होता है तब वो अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करता है। तो यहाँ पर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस बोलते हैं। एम्फीबियंस का मतलब उभयचर। नेक्स्ट इसका जो करैक्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन वाटर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन टेक्स प्लेस, घटित होता है या संचालित होता है इन वाटर। जो लैंगिक जनन है वो पानी की उपस्थिति में होता है। अगला इसका लक्षण, दे लैक ट्रू रूट्स एंड लीव्स। लैक मीन्स कमी होना या ना रखना, तो यहाँ पर हम कमी बोल सकते हैं या ना रखना। दे लैक नहीं होता है इनमें, क्या नहीं होता है? ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, सत्य प्रकार की जड़ें नहीं होती हैं और लीव्स नहीं होती हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पर आप और जान लीजिए कि हम ट्रू रूट्स किसको बोलते हैं। आप कोई भी सीड देखते हैं तो उस एम्ब्रियो में दो पार्ट होते हैं। जैसे ये कोई जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो है तो इसमें आपको दो पार्ट दिखेगा। ये ऊपर वाला पार्ट जो तना बनाता है इसको हम प्लूम्यूल बोलते हैं, इसको हम रेडिकल बोलते हैं।
जो रेडिकल है वो रूट बनाता है, जो प्लेम्यूल है वो तना बनाता है। तो किसी भी भ्रूण का वह भाग जो रेडिकल से बनता है उसको हम जड़ बोलते हैं, और जो प्लेम्यूल से बनता है उसको हम तना बोलते हैं। तो जब जड़ का फॉर्मेशन, रूट का फॉर्मेशन रेडिकल से होता है, तब हम उस कंडीशन को ट्रू रूट्स बोलते हैं, सत्य प्रकार की जड़ें बोलते हैं। आगे हम इसकी बात करते हैं, तो इनमें जो सत्य प्रकार की जड़ें हैं वो अब्सेंट होती हैं, और साथ ही साथ जो पत्तियां हैं वो भी अब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट भी जिसको हम बोलते हैं, इनकी जो मुख्य प्लांट बॉडी है वो कैसी है, हैप्लॉइड है, अर्थात इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, मुख्य प्लांट बॉडी होती है, जो प्लांट होगा उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, तो दुगुनी कब होगी, जायगोट में होती है। नेक्स्ट, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, नर जननांग होता है, मेल मींस होता है नर, सेक्स ऑर्गन जननांग, जो नर जननांग होता है उसको हम एंथ्रीडिया बोलते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम आर्किगोनिया बोलते हैं। इसको ध्यान रखेंगे आप, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नर जननांग को हम एंथ्रीडिया बोलेंगे और मादा जननांग को हम आर्किगोनिया बोलते हैं। अब यहाँ पर फिगर के माध्यम से पहले हमको समझ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई ये प्लांट बॉडी है, कोई पौधा है, जो कि ये नर को डिनोट कर रहा है, मेल गैमेटोफाइट है। यहाँ पर आप देख लीजिए जो मेन प्लांट बॉडी है उसको हम गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। तो वहाँ पर ये हमने गैमेटोफाइट, सपोज देखिए कोई मेल प्लांट है, नर पौधा है, और ये फीमेल प्लांट है। अब इस प्लांट में, नर वाले प्लांट में एंथ्रीडिया बन रहा है। यहाँ पर भी आपको बताया गया कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको एंथ्रीडिया बोलते हैं। तो जो मेल गैमेटोफाइट है उसमें बनेंगे एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया कहाँ पर बनेंगे, एंथ्रीडियो फोर पर बनते हैं, पर ये काफ़ी डीप चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस से बाहर हैं। बस आप इतना जानिए कि मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रीडिया बनते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट अर्थात फीमेल प्लांट में आर्किगोनिया बनता है। इतना चीज हो गया। अब एंथ्रीडिया में, क्योंकि एंथ्रीडिया जो है वो नर जननांग है, इसलिए उसमें जो गैमीट बनेगा, जो युग्मक बनेगा वो नर होगा, और उस गैमीट को हम एंथ्रोजॉइड बोलते हैं। जैसे मनुष्यों में स्पर्म बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, तो सेम कंडीशन वही यहाँ पर भी आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो मेल गैमीट बन रहा है उसको हम एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आर्किगोनिया में जो गैमेट बन रहा है, आर्किगोनिया ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, आर्किगोनिया, आर्किगोनिया में जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम एग बोलते हैं, अंडा या अंडाणु बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर अब एक मेल गैमेट बन गया, एक फीमेल गैमेट बन गया, एक नर युग्मक, एक मादा युग्मक। अब नर और मादा युग्मक जब आपस में दोनों संयोग करेंगे, यूनाइट होंगे, उस कंडीशन को हम निषेचन बोलते हैं या फिर फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जब गैमेट आपस में मिलेंगे तब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, और आप जानते हैं कि निषेचन के बाद जायगोट बनता है, युग्मनज बनता है। अब यहाँ पर जब जायगोट बन गया तो इस जायगोट में क्या होगा, डिवीजन होगा, और ये जो जायगोट है वो डिवाइड होकर एक नया स्ट्रक्चर बनाएगा, जर्मिनेट होगा, उगना शुरू होगा। ये जो जायगोट है उस स्ट्रक्चर को हम फिर स्पोरोफाइट बोलते हैं। अब इसी स्पोरोफाइट में बहुत सारे स्पोर बनेंगे, स्पोर बनेंगे, बीजाणु जिसको हम बोलते हैं, बहुत सारे बीजाणु बनेंगे, और फिर यही जो बीजाणु हैं उसमें से कुछ मेल स्पोर होंगे, कुछ फीमेल स्पोर होंगे। जो फीमेल उस स्पोर होगा उसको हम
फीमेल गैमेटोफाइट स्पोर बोलेंगे, जो नर होगा मेल गैमेटोफाइट स्पोर में उसको बोलेंगे। अब मेल गैमेटोफाइट स्पोर से जो पौधा बनेगा वो बनेगा मेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट स्पोर से जो पौधा बनेगा उसको हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। यहाँ पर आप आगे देखेंगे जायगोट प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। यहाँ पर ये देखिए आप जायगोट है, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना, जायगोट से क्या बना स्पोरोफाइट, वही सेम चीज यहाँ पर लिखी गई। इसके बाद स्पोर प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, यही जो स्पोर बने हैं इसको स्पोर बोल सकते हैं, स्पोर्स, स्पोर जो है ये गैमेटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो ये एक जनरल करेक्टर हो गया और इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। अगर इसके हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसको हम वर्धी जनन बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तीनों प्रकार का इसमें जन्म पाया जाता है।